हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के सिलेबस में अपने लास्ट लेक्चर में एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन को सीखा था, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन किस तरीके से होता है और उस कन्वेक्शन फिनोमिना में हीट ट्रांसफर कोफिशियंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन बताया था अगर वो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन और पूरे हीट ट्रांसफर सिलेबस की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां से जाकर आप अपने हीट ट्रांसफर सिलेबस को कवर कर सकते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन का पूरा सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन के बारे में सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन का मतलब, जब कभी भी किसी भी पाइप सिस्टम में कोई फ्लो होता है उस फ्लो को इंक्रीज किया जाता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर से। यहां हम उसको कंसीडर कर सकते हैं फैन, ब्लोअर, तो उसकी मदद से उस फ्लूड को जब बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करवाया जाता है तो उसकी हीट ट्रांसफर की फ्लो रेट बढ़ जाती है। ओके, तो हीट ट्रांसफर बढ़ गया, उसी को बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। और इंटरनल है, दैट मींस वो किसी एक सर्कुलर पाइप या किसी एक डक्ट में है। आप इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा, या तो वो किसी सर्कुलर पाइप में होगा या ट्यूब में होगा और या फिर किसी डक्ट में होगा। तो इन तीनों ही शब्दों का यूज इंटरनल कन्वेक्शन में किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कुलर पाइप में अगर फ्लो लेमिनार होगा तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो यहां पर अगर लेमिनार फ्लो है तो वहां रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 2300 से कम, या फिर कुछ बुक्स में इसको रेनॉल्ड नंबर को 2100 भी लिखा जाता है। ये दोनों ही वैल्यू सही है। तो आपको याद रखना है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2100 से कम है किसी एक इंटरनल सिस्टम में, तब वहां उस सिस्टम को बोला जाएगा लेमिनार फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है? जब फ्लो इंटरमीडिएट होता है लेमिनार और टर्बुलेंट सेक्शन के, तो वहां रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2300 से ज्यादा और 10,000 से कम होती है। और अगर किसी भी इंटरनल सिस्टम में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10,000 से ज्यादा आ जाएगी, तब आप उस केस में बोलेंगे कि वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, आपको ये तीन वैल्यूज याद रखनी है और मेनली इसमें सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है, 2100 एंड 10,000। ओके, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनल सिस्टम में रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। समझते हैं अब कि इंटरनल फ्लो में रेनॉल्ड नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई फ्लूड किसी सर्कुलर ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो वहां रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट किया जाता है आर इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये आपका ट्यूब हो गया, मैंने यहां इसको ट्यूब बोल दिया। ओके, अब इस ट्यूब में कोई फ्लो कर रहा है तो वहां रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करेंगे रो वी डी वाई म्यू। सो डी क्या है यहां पर, यहां है डी ट्यूब का और पाइप का डायामीटर। ओके, रो क्या है, फ्लूड की डेंसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड। एंड म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ
फ्लूड। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल किसी भी सर्कुलर ट्यूब में कैलकुलेट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वही फ्लो किसी एक नॉन सर्कुलर बॉडी में फ्लो कर रहा है तब वह थोड़ी परेशानी आती है कि वहां पर डायामीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक डायामीटर। चलिए उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रेनॉल्ड नंबर के कैलकुलेशन में। अभी आपने देखा जब फ्लो किसी एक सर्कुलर बॉडी में फ्लो करता है तब वहां रेनॉल्ड नंबर में डायामीटर यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई फ्लो किसी नॉन सर्कुलर पाइप ट्यूब या किसी डक्ट में फ्लो करता है तब वहां आप डायरेक्टली डायामीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई एक फिक्स बॉडी नहीं है जिसका डायामीटर हो। डायामीटर हमेशा सर्कुलर बॉडीज का होता है तो वो सर्कुलर नहीं होगा। उस केस में रेनॉल्ड नंबर एंड नसेल्ट नंबर, ये आपको हमेशा याद रखना है, रेनॉल्ड नंबर एंड नसेल्ट नंबर कैलकुलेट किया जाता है हाइड्रोलिक डायामीटर से। तो यहां हम किस टॉपिक को जानेंगे, हाइड्रोलिक डायामीटर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी एच, डी फॉर डायामीटर, एच फॉर हाइड्रोलिक। और इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड वेटेड पैरामीटर। यहां पर 4 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा ए एस, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा पी। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट को लेमिनार फ्लो में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उस इक्वेशन को जानते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमको हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 इक्वेशन की जरूरत होती है गेट पॉइंट ऑफ व्यू की सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 2 इक्वेशन को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था और 2 इक्वेशन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर जब लेमिनार फ्लो होगा तो आपने रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करके रखा है जिसकी वैल्यू है 2100 से कम। अब यहां पर जो इक्वेशन को यूज करेंगे उसका नाम होता है साइडर टेटे हीट इक्वेशन। ये एक एम्पेरिकल इक्वेशन होती है। नसेल्ट नंबर इजिकल टू 1.86 रेनॉल्ड नंबर मल्टीप्लाई प्रांटल नंबर मल्टीप्लाई डी बाई एल टू द पावर 1/3 म्यू ओवर म्यू डब्ल्यू टू द पावर 0.14। अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत टिपिकल इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ईच एंड एवरी टर्म को रिलेट करेंगे, देखिए आपको जब एक्सटर्नल कन्वेक्शन था तब वहां रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर को तो याद रखना ही पड़ रहा था, यहां पर बस डायामीटर अपॉन लेंथ ये वाला एक फैक्टर आ गया है। ओके, उसके अलावा विस्कोसिटी म्यू होती है फ्लूड की विस्कोसिटी, म्यू डब्ल्यू होती है वाटर की विस्कोसिटी। मैं आपको बता देता हूं एक एक टर्म्स के बारे में। तो यहां पर आप ईच एंड इंडिविजुअल टर्म्स को जब लिखेंगे तो नसेल्ट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, एच डी ओवर के, डी फॉर डायामीटर, के फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। 1.86 इक्वल टू रो वी डी ओवर म्यू मल्टीप्लाई सीपी म्यू ओवर के मल्टीप्लाई डी बाई एल टू दी पावर 1/3 एंड म्यू ओवर म्यू डब्ल्यू टू दी पावर 0.14। और बस आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर के टर्म्स में तो वो भी बहुत सिंपल होगी। ठीक है, तो आपको जैसे भी कन्वीनियंट पड़े आप उस तरीके से अपने इस इक्वेशन को याद रख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इनसाइड हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि हमने लेमिनार फ्लो में देखा, रेनॉल्ड नंबर आपको बता देगा कि ये जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो वहां उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा आ जाएगी। तब इस केस में जो इक्वेशन यूज होती है उसको बोला जाता है डाइटस बोल्टर हीट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप जानेंगे कि नसेल्ट नंबर इजिकल टू 0.023 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर
0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर n। अब आप कहेंगे ये n एक नया वेरिएबल आ गया। तो देखिए कन्वेक्शन में जनरली दो केसेस होते हैं, एक होता है हीटिंग का केस और एक होता है कूलिंग का केस। हीट कहीं ना कहीं से तो पास होगी, तो अगर हीटिंग का केस है यानी आपका जो डिजायर फ्लूड है वो अगर हीट हो रहा है तब वहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 0.4, ओके। और अगर आपका डिजायर्ड फ्लूड कूल हो रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3। यानी जिस फ्लूड का आपको हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैलकुलेट करना है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है आपको उस बात का हमेशा याद रखना है। तो हीटिंग के केस में 0.4 और कूलिंग के केस में 0.3। बस इस इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए, आपकी हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो बस ये दो थी इक्वेशन जिनको मुझे आपको बताना था। तो टोटल मिला के आपके पास 4 इक्वेशन हो गई है, 2 लास्ट वीडियो की, 2 इस वीडियो की। तो बस इन्हीं 4 इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है और कन्वेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट को डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया है उसको आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जूनियर सीनियर और अदर बैचमेट्स में भी सर्कुलेट कर दीजिए ताकि उनको भी इतनी सारी कंफ्यूजन जो उनको कन्वेक्शन को लेकर है वो दूर हो सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।